हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि क्या 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी रहती है ऑन दी इंडियन रोड्स, ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें कई बार हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग का सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है, तो क्या वो इस तरह की सड़कों पे चलाने लायक है कि नहीं, आज हम इस वीडियो के थ्रू ये जानेंगे। तो जैसे कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास ये वरना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा एक ऊंचाई है और देखिए यहाँ पर कितना मार्जिनली जो है गाड़ी बची है लगने से। अभी इस गाड़ी में केवल ड्राइवर ही हैं जिनका वेट तकरीबन 70-75 किलो के आसपास है, तो बहुत ही हल्का सा जो है यहाँ पर गाड़ी रोड से टच होते होते बची है। अब इसी रोड पे अगर हम गाड़ी को उतार के देखें तो देखते हैं कि ये कितनी आसानी से उतर पाती है इसी रोड पे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गाड़ी को हल्की सी ढलान से उतरते हुए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है और हल्का फुल्का मार्जिन ही है जो बच रहा है। अभी तो यहाँ पे केवल एक ही ड्राइवर हैं, अगर यही गाड़ी 4 या 5 लोगों से भरी होती तो ये गाड़ी यहाँ से ईज़िली नहीं उतर पाती, यहाँ पर नीचे टच ज़रूर हो जाती। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम होना ही ऐसा इकलौता रीज़न नहीं है कि आपकी गाड़ी ज़मीन पे टच होती है। इसके लिए दो और रीज़न है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला तो गाड़ी के जो शॉकर्स हैं वो कितने सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं। अगर गाड़ी के शॉकर सॉफ्ट होंगे तो जब भी आपकी गाड़ी तेज़ स्पीड पर निकलती है गड्ढों से तो वो नीचे उसके लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है गाड़ी का व्हील बेस। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं जो गाड़ी का जो पहला टायर है, आगे वाले टायर से लेके पीछे वाले टायर तक का जो गैप होता है उसको व्हील बेस बोला जाता है। तो वरना का व्हील बेस है 2600 mm, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से आप देखिए जब ये गाड़ी निकल रही है दूसरे टायर के पास जो है गाड़ी लगती लगती बची है। इसके बाद हमने जो टेस्ट है नॉर्मल रोड कंडीशन में किया जहाँ पे एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर था, तो यहाँ पे देखिए जब गाड़ी निकल रही है तो एक हल्का सा ही गैप बच गया था इस गाड़ी पे और ऑलमोस्ट टच होते होते ये गाड़ी बची है। इसके अलावा हमने जो सेकंड टेस्ट किया इसके अंदर 2 पैसेंजर बैठे हुए थे और उसी स्पीड ब्रेकर पर हम इस गाड़ी को लेकर गए, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम गैप बचा था जब इस गाड़ी को यहाँ से निकाला गया। अगर इसी गाड़ी में इस टाइम पे 3 या 4 लोग बैठे होते तो डेफिनेटली ये गाड़ी इस स्पीड ब्रेकर पे नीचे लग जाती। इसके बाद हम लोग इस गाड़ी को दोबारा से ऑफ रोडिंग में लेकर गए और ये जो जगह थी जहाँ पर हमने इस गाड़ी को दोबारा टेस्ट किया ये पहले वाले ऑफ रोडिंग से और ज़्यादा वर्स्ट थी। तो यहाँ पर हमने सोचा इस गाड़ी को एक बार लेकर आते हैं और देखते हैं कि गाड़ी कहीं पर लगती है कि नहीं। तो इस वाली जो रोड थी इसकी भी कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थी, इसमें भी काफ़ी गड्ढे वगैरह थे और एक परफेक्ट साइट मैं बोलूँगा इस तरह की गाड़ी को टेस्ट करने के लिए। तो हमने यहीं पर सोचा कि जो सामने ऊंचाई सी आ रही है यहाँ से इस गाड़ी को निकाल के देखते हैं कि क्या बिना लगे गाड़ी निकल पाती है कि नहीं। तो हमने इसी के लिए इसका टेस्ट किया और जब हम इस गाड़ी को यहाँ से निकालने लगे तो बिना किसी दिक्कत के ये गाड़ी यहाँ से आराम से निकल गई। तो बात वही है कि अगर यहाँ पर इस गाड़ी में ज़्यादा लोग बैठे होते तो शायद इस गाड़ी के यहाँ पर लगने के चांसेस हो सकते थे। इसके बाद दोबारा हमने इस गाड़ी को एक ऊंची चढ़ाई पे चढ़ाने की कोशिश करी और यहाँ पे देखिए हल्का सा जो है यहाँ पर भी मार्जिन बचा था जब हम इस गाड़ी को यहाँ पर चढ़ा रहे थे। अब इसके बाद 2 रोड्स थी, हमने सोचा इस का एक छोटा सा यहाँ पर भी टेस्ट किया जाए जहाँ पर एक रोड से क्रॉस होके हमने इस गाड़ी को दूसरी रोड पे लेके आने की कोशिश करी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको अब दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे ही गाड़ी रोड पे आती है तो ये यहाँ पर टच हो गई, यहाँ पर गाड़ी ये लग जाती है और उसके बाद गाड़ी निकलती है और पीछे वाला भी पोर्शन यहाँ पे लग जाता है गाड़ी का। तो ये एक छोटी सी जो ढलान थी यहाँ पर जो है गाड़ी लग गई। तो ऐसे में 165 mm जो है मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है इस तरह की रोड्स पे। इस गाड़ी में अभी तो केवल 1 या 2 मैक्सिमम लोग बैठ के इस टेस्ट को कर रहे थे,
वहीं पर अगर यहाँ पर चार लोग बैठे होंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप इस तरह की गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं लाइक वरना या होंडा सिटी, जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस तकरीबन 165 mm के पास है, तो ऐसे में मेक श्योर कर लें कि आपकी जो ड्राइविंग है वो इस तरह की ऑफ रोडिंग में कम से कम हो। तो गाइज ये थी मेरी एक वीडियो ऑन द ग्राउंड क्लियरेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दे देना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।